इस तो हम आ चुके हैं अब की बार मिर्जा चौकी के मेला घूमने। ये है सलमपुर गांव। तो देख सकते हैं कितना बड़ा पहाड़ का नज़ारा। तो ये जो देख सकते हैं ये लगता है कि क्या है वो भी पता नहीं का नज़ारा। अभी तो हम फिलहाल छत पर हैं, तो जाएंगे मेला घूमने, तो आपको भी लेके जाएंगे। ठीक है जी, आइएगा तो जरूर आइएगा, नहीं आइएगा तो उसमें मेरा क्या कसूर। हेलो दोस्तों, तो आज हम जाने वाले मिर्जा चौकी के पहाड़ घूमेंगे, वहाँ की नदी तालाब के बारे में मैं दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं मिर्जा चौकी। शहर का वीडियो तो आपने बहुत देख लिया होगा, लेकिन गांव देहात का वीडियो कम ही देखने को मिलता होगा। तो आगे में मुझे जाते जाते एक पुल दिखाई दिया जो कि ट्रेन पार होती है, तो वो अंग्रेज़ों का ज़माना का बना हुआ। तो आप देख सकते हैं कि अब दिख रहा होगा वहाँ एक पुल है। हेलो दोस्तों, मैं कौन हूँ? मैं मेरा नाम भूल गया, मैं अपना नाम भूल गया हूँ, लेकिन आप जरूर जानते हैं मैं विवेक और आप देख रहे हैं क्रेजी स्टार विवेक। तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ना। नहीं और चलते हैं इस वीडियो की ओर, तो कुछ इसमें जरूरी बातें बताएंगे। अच्छा, और कुछ टूर कराएंगे, कुछ जगह के बारे में आपको बताएंगे। लड़कियों और पब्लिक के पास प्रैंक तो बहुत देख चुके होंगे, पर गांव देहात का ये सब नज़ारा कहाँ देखने को मिलता है दोस्त। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। ठीक है जी। गाइस, हम आ चुके हैं अभी मिर्जा चौकी के सलमपुर गांव, एगो पड़ता है, वहीं आ चुके हैं। तो देख सकते हैं जंगल झाड़ में तो चलिए आपको दिखाते हैं पहाड़ किस प्रकार है। यहाँ का पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ है। नदी दिखाते हैं, नदी तालाब दिखाएंगे, तो चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। अरे एक बात पता है आपको, लगता होगा कि अरे ये भाई का वीडियो इतना कम क्वालिटी का आता है, अरे भाई मेरे पास कोई DSLR और लैपटॉप नहीं है, मेरे पास बस फ़ोन है, उसी से वीडियो शूट करते हैं, उसी से एडिटिंग करते हैं। यार सपोर्ट तो करो यार, फिर देखते हैं आगे जैसे जैसा होता है वैसे वैसे काम करते रहेंगे। तो इस वीडियो में जुड़े रहिए इस गरीब क्रेज स्टार विवेक के साथ। तो चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार दोस्तों, तो अभी हम आ चुके हैं यमुना नदी के पास। देख सकते हैं मेरा गांव का यमुना नदी। तो यमुना नदी बोले तो सलमपुर घाट के जाने माने यहाँ मुर्दा जलाया जाता है। तो देख सकते हैं ये वाला सलमपुर घाट का नदी है। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे गांव में ये कौवा लोग है, कौवा लोग रहते हैं। अभी तो हमारे गाँव में नज़र भी ना आते हैं, लेकिन ये गांव देहात है, शहर में तो इस सब जानवर का विलुप्त हो गया। लेकिन देखिए यहाँ इस गांव में पक्षी सब आ रहे हैं, मुझे खुशी की बात हो रही है कि हाँ इस गांव में पक्षी देखने को मिलता है। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। देख सकते हैं कौवा लोग यहाँ स्नान कर रही है, तो किस प्रकार हम जाते हैं कपड़ा दे देंगे पहनने के लिए। वो नंगे नहा रही है, क्या बोला तूने? क्या कर सकते हैं, वो कपड़ा दे देंगे वो पहनने की। तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं हावड़ा ब्रिज के पास। देख सकते हैं हावड़ा ब्रिज पर 10-10 ट्रेन एक साथ पार होती है। तो कैसा लगा? ये मेरा गांव का हावड़ा ब्रिज है, मेरे लिए तो यही हावड़ा ब्रिज है, और क्या कह सकते हैं, बुरा मत मानिएगा। हम उस पहाड़ पे अभी चढ़ेंगे, तो देख सकते हैं किस प्रकार का माउंटेन एवरेस्ट, हर घुट में स्वैग है। देख सकते हैं पहाड़ पर चढ़ाई का तैयारी हो चुका है, तो माउंटेन पर चढ़ने वाले हैं। तो जाते हैं, अरे रास्ता किधर है सीधे? हाँ तो जाते हैं, हम तो रास्ता नहीं देखें, सूरज जी से पूछते हुए जा रहे हैं। तो कमेंट कीजिए कि किसने ये जंगल देखिए। तो देख सकते हैं यार डरावना लग रहा है, खतरनाक, डर भी लग रहा है मुझे कि कोई फोन छीन नहीं ले, छीन लेगा तो हम क्या कर सकते हैं। सकते हैं दोस्तों किस प्रकार हम लोग पहाड़ पे अभी चढ़ रहे हैं, बहुत मुश्किल से आधा पहाड़ पे अभी चढ़ रहे हैं। गाइस तो देख सकते हैं हम इतना दूर तक तो चढ़ चुके हैं, तो देख सकते हैं इस जगह एक पंडाल आया है,
तो देख चलते हैं, थोड़ा छत पे आते हैं घूर के। तो छत पे चल रहे हैं, पता नहीं अलाउड होगा कि या नहीं, फिर भी चलेंगे। तो देख सकते हैं किस प्रकार का नज़ारा, मौसम यार। आप जो पहाड़ दिखने वाले थे यही है वो पहाड़, देख सकते हैं मिर्जा चौकी सलेमपुर गांव का। तो इस जंगल में आ चुके हैं, चाहे मुझे जंगली कहे, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहे। Awesome guys, तो देख सकते हैं कि इस इतना बड़ा पहाड़ पे हमें अभी चढ़ना है। तो जब देख सकते हैं हम लोग इधर आ चुके हैं यार, बहुत जंगल में हम खो गए थे, खोजते 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 यहाँ तक पहुँच ही गए। सूरज जी भी रास्ता थोड़ा भूल गया था, तो चलते हैं। तो देख सकते हैं इस पहाड़ का सीन कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ आपको दिख रहा है तो बहुत मौसम लग रहा है। चलते हैं आगे को, चलिए सूरज को रास्ता दिखाते हुए। तो चलते चलते हालत ख़राब हो गया है यहाँ तक। तो सो गाइस, यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं, देख लीजिए यहाँ हमारी मम्मी लोग बकरी चरा रही हैं, हमारी मम्मी आपकी भी मम्मी बकरी चरा रही हैं। तो डाली डाली दूर तक से गाइस हम पहुंच चुके हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार का नजारा है, इतना मेहनत के बाद, बहुत मेहनत लगा यार चढ़ने में। एक बार तो फिर चलते हैं, मुझे जाने दो, फिर से आए हैं। तो चलते हैं, अब मुकाम तक पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं गाइस, जंगल 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 जाना पड़ रहा है। तो क्या करें, जाना तो है, तो जा रहे हैं भाई। तो दोस्तों देखिए लीजिए, हम टॉप फ्लोर पर आ चुके हैं, हमको लगा कि यहाँ समतल जगह होगा, लेकिन अब देख सकते हैं जंगल ही जंगल है। दो महीना पहले आए थे तो यह समतल जगह था, लेकिन यहाँ देख रहे देख सकते हैं जंगल ही जंगल है। और पीछे में एक मंदिर या मस्जिद है, पता नहीं, मस्जिद ही होगा। तो डाली डाली फूलों की तुझको बुलाएंगे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। दोस्तों यहाँ पहाड़ी पहाड़ है, पहाड़ी पहाड़, यहाँ पहाड़ों का तो कमी नहीं है। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहे। तो दोस्तों देख रहे हैं अब हम पहाड़ पर से उतर रहे हैं, क्योंकि वहाँ समतल जगह नहीं था, तो घूमने वाला जगह भी नहीं था। तो क्या करें, डर डर के उतरना पड़ रहा है कि यहाँ से घरकेंगे एक बार तो वहीं जाके नीचे में गिरेंगे। तो चलते नीचे। तो दोस्तों आज मिर्जा चौकी सलेमपुर के पूरे पहाड़ हम घूम चुके हैं। तो वीडियो को यहीं अंत करते हैं, तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो करिए ना, याद है लाइक कर दीजिए, तो मेरा दोस्त हिलाते हुए नोच रहे हैं। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।